नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिल्ली के कई इलाकों में शराब की दुकानों पर शनिवार को शराब पीने वालों की लंबी कतारें देखी गई, क्योंकि कुछ दुकानों ने विभिन्न ब्रांड की शराब पर छूट की पेशकश की थी। राजधानी के जहांगीरपुरी, शहादरा और मयूर विहार स्थित कई अन्य इलाकों में शराब की दुकानों ने कुछ ब्रांड पर 35% तक की छूट की पेशकश कर दी। पूर्वी दिल्ली में शराब की दुकान के कर्मचारी ने कहा कि शराब की दुकानों को मार्च के अंत तक अपना स्टॉक खत्म करना होगा, क्योंकि नए वित्त वर्ष में लाइसेंस का नवीनीकरण होगा। आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शादी के मौसम और सप्ताह अंत होने के कारण कतारें लंबी देखी गयी। शराब कारोबार के एक जानकार ने बताया कि रेट में कटौती से लोगों ने बड़ी मात्रा में शराब खरीदी। इधर हवाई सफर करने वाले पीने के शौकीनों के लिए भी अच्छी खबर है। जल्द ही आप डोमेस्टिक रूट पर यात्रा करते समय भी दिल्ली एयरपोर्ट पर डिस्काउंट रेट में प्रीमियम शराब खरीद सकेंगे। अगले कुछ दिनों के भीतर भारतीय और विदेशी ब्रांड्स के साथ शराब की 6 दुकानें 3 टर्मिनलों पर खुल सकती है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने नॉन कंफर्मिंग एरिया से उसी जोन में अधिकृत कमर्शियल मार्केट में शिफ्ट करने के लिए रिटेल लाइसेंस धारकों को अनुमति दे दी है। इस फैसले से 134 शराब की उन दुकानों को फायदा हो सकता है जो उन इलाकों में नहीं खुल पाई थी, क्योंकि निगमों ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।